सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं विवेक प्रकाश और आप देख रहे हैं द फ्रंट। देश भर में सीएबी को लेकर के सियासी संग्राम चल रहा है और इस बीच संग्राम के साथ साथ जहां पूरे देश में लोग सड़कों पर उतरे हैं, ऐसे में सियासी पार्टियों का वीडियो गेम भी दिखाई दे रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बीजेपी के वीडियो गेम की। इस वक्त सीएबी को लेकर के, यानी सीएबी यानी नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर के जिस तरीके का एक पूरे देश भर में भ्रम फैलाया गया है और उसको लेकर के सड़कों पर जिस तरीके से लोग उतर करके प्रदर्शन कर रहे हैं, जगह जगह धरना हो रहे हैं, लोगों ने कई जगह ट्रेनें रोक दी हैं, ऐसे में इसको काउंटर करने के लिए बीजेपी ने मनमोहन सिंह का एक वीडियो जारी किया है। जी हां, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का ये वीडियो उस वक्त का है जिस वक्त वो प्रधानमंत्री नहीं हुआ करते थे बल्कि विपक्ष के नेता हुआ करते थे राज्यसभा में। 2003 का ये वीडियो है। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और लाल कृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री थे। इस वीडियो को जब आप देखेंगे और सुनेंगे तो आपको साफ तौर से दिखाई देगा कि नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर के जो बवाल इस वक्त हो रहा है, इस विधेयक के पास होने के बाद यही सवाल उस वक्त मनमोहन सिंह उठाते हुए दिख रहे हैं और साफ साफ ये कह रहे हैं। राज्यसभा में उन्होंने साफ तौर से लाल कृष्ण आडवाणी को संबोधित करते हुए ये कहा है और बताया है कि किस तरीके से पड़ोसी मुल्कों में, यानी कि अफगानिस्तान में, खास करके बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक हैं, यानी कि वहाँ के जो अल्पसंख्यक, जो हिंदू या बाकी और समुदायों से आने वाले लोग हैं, गैर मुस्लिम, उनके ऊपर किस तरीके से धार्मिक प्रताड़ना के वो शिकार हो रहे हैं और उनको धर्म के आधार पर बांटकर किस तरीके से उनके साथ अत्याचार किया जाता है। ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। ऐसे लोग अगर भारत में आते हैं तो उनको नागरिकता देना, उनके हितों की रक्षा करना हमारा, यानी कि भारत सरकार का कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है। और मनमोहन सिंह इस वीडियो में याद दिलाते हुए लाल कृष्ण आडवाणी को दिख रहे हैं कि मैं एक बार फिर ये कहूँगा उप प्रधानमंत्री जी से कि वो नागरिकता संशोधन विधेयक पर विचार करें और उसको लागू करने के लिए आगे आए। ये वीडियो उस वक्त का है जिस वक्त इस देश में नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर के कहीं कोई बवाल, कहीं कोई संग्राम, कहीं कोई सियासी हलचल नहीं थी। लेकिन अब जबकि 2019 है और मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन विधेयक को पास किया है जो ये कहता है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो धार्मिक रूप से सताए हुए 6 समुदायों के लोग हैं, गैर मुस्लिम, यानी कि हिंदू, सिख, पारसी, जैन और ईसाई, इन लोगों, इनकी हितों की रक्षा करने के लिए अगर ये लोग वहाँ से आए हैं और शरणार्थी बनकर आए हैं तो इनको भारत की नागरिकता दी जाए और इनके हितों की रक्षा की जाए। मनमोहन सिंह जी क्या कहते हैं, आप सुनिए इस वीडियो में। While I am on this subject, madam, I would like to point out that with regard to the treatment of refugees, after the partition of our countries, the minorities in countries like Bangladesh have faced persecution and it is our moral obligation that if circumstances force people, these unfortunate people to seek refuge in our country, our approach to granting citizenship to these unfortunate persons should be most liberal. I sincerely hope that the Honourable Deputy Prime Minister will bear this in mind in charting out the future course of action with regard to the Citizenship Act. Thank you. Mr. Advani, the minorities in Pakistan are also suffering. They have to be taken care of too. दरअसल हम इस सियासी वीडियो गेम की या बीजेपी के वीडियो गेम की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक नया दौर शुरू हुआ है सियासत में, भारत के राजनीति में, जब एक दूसरे को काउंटर करने के लिए पार्टियां वीडियोज का इस्तेमाल कर रही हैं, पुरानी वीडियोज का इस्तेमाल कर रही हैं। आपने मनमोहन सिंह का ये वीडियो देखा जिसको बीजेपी ने जारी किया है सीएबी को लेकर के चल रहे आंदोलन को काउंटर करने के लिए। ठीक ऐसे ही आज से 4 दिन पहले आपको दिखा था जब स्मृति ईरानी ने लोकसभा में राहुल गांधी को घेरा था और उनके एक बयान को लेकर के काफ़ी बवाल मचा था संसद में और एक तरीके से राहुल गांधी को दंड तक देने की मांग की गई थी स्मृति ईरानी के द्वारा। उस वक्त राहुल गांधी ने मोदी का, यानी कि नरेंद्र मोदी का उस वक्त का 2013 का एक बयान जारी करने की बात कही थी ट्विटर पे।
दरअसल राहुल गांधी ने यह बयान रेप को लेकर के दिया था, भारत में बढ़ते बलात्कार को लेकर के दिया था, और रेप इन इंडिया बोला था हजारीबाग में, जिसको लेकर के स्मृति ईरानी इतनी उग्र हुई थी। और उसको काउंटर करने के लिए राहुल गांधी ने साफ तौर से यह कहा था कि मैं किसी भी हाल में कोई माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैं ये पहली बार कोई इस तरह की बात नहीं कर रहा हूं। इससे पहले जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं वो जब विपक्ष में थे उन्होंने ऐसी बात कही थी, और तब 2013 का नरेंद्र मोदी का एक वीडियो, जो उसमें नरेंद्र मोदी भी दिल्ली को रेप कैपिटल बताते हुए दिख रहे हैं, वो वीडियो जारी किया था। तो एक राजनीति में आज के समय में एक नया दौर शुरू हो गया है, जो पुरानी, जब आज अगर कोई आंदोलन या आज कोई विरोध होता है तो उसको लेकर के पुराने वीडियो जारी करने की एक नई, चूंकि तकनीक है आज के डेट में, उपलब्धता है, तो उठा करके बाकी सोशल मीडिया साइट्स के जरिए और अन्य तरीकों से जारी की जा रही हैं सियासी पार्टियों के द्वारा, ताकि जनता जो है आज की कथनी और कल की कथनी दोनों में फर्क महसूस कर पाए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।